हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ लेके आपके लिए एक और नया ब्लॉग। तो अभी हम बना रहे हैं सुबह सुबह मिर्ची और टमाटर की सब्जी। रात बनाई थी भिंडी, अभी बनाएंगे मिर्ची टमाटर। तो मम्मी छील रही लहसुन। क्या है बेटा? तो इसको ये बोल रहा तपता। ये तपता नहीं है, ये टमाटर है। बोलो टमाटर। तो ये ना मैं सोके उठा, इसके बाल देखिए कैसे उठ रहे हैं। बोलो ना मैं टमाटर। बोल राधे राधे करो, करो राधे राधे करो जल्दी से, ऐसे हाथ जोड़ के आधे आधे करो। ओ इसको सब पता, इसको सब पता है। राधे राधे कर दो। कल तो मम्मी आपका फोन लेके ऐसे व्लॉग बनाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ मिर्ची टमाटर की सब्जी और रोटी। वैसे मैं नहा चुकी हूँ और वो अभी तक सो रहे हैं, सोते ही रहते हैं वो, लेट उठते हैं। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है। चेंज ये आया है कि हम अभी नहीं बना रहे मिर्ची टमाटर, शाम को बनाएंगे। अभी हम बनाने जा रहे हैं खाली खिचड़ी, क्योंकि भिंडी की सब्जी रखी हुई है। तो खिचड़ी बनाते हैं, दलिया बनाएंगे, नमकीन दलिया। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और देखिए हमारे पड़ोस में से आए हैं गुलाब जामुन और ये रसमलाई, जो कि हम सब खा चुके हैं, बस निक्की की रह गई है। और रात निक्की लेके आए थे चुस्किया बाबू के लिए, लेकिन उसको नहीं देंगे तो किसी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों अभी नवे मांग रहा है कुल्फी, तो चलिए कुल्फी निकाल देते हैं उसके लिए। सो के उठा हुआ तो उसने देख लिया उसको। खाओगे? दिखा दे। तो गाइस ये देखिए आइसक्रीम का क्या हाल हो गया है, बिल्कुल पिघल गई है आइसक्रीम गर्मी के अंदर। अब ना मेरे को ये खिलानी पड़ेगी। तो गाइस मम्मी लगा रही है अभी खाना। तो ये है हमारी कौन सी सब्जी मम्मी? छोले की सब्जी, ये भिंडी की सब्जी, और ये दलिया और रोटी और छाछ। और ना मैं भी देखिए आके बैठ गया थाली लेके। खाना खाना है आपको? और मम्मी लेके आ गई आइस। इधर दिखाओ ना मम्मी, दिखाओ। पिघला दी नहारी मेशी रो बना दियो आपने, बाहर निकाल दी मम्मी। गई मम्मी दो बार बाहर निकाली और खाई एक बार भी नहीं। तू खा ली? मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खा लो। छोरे को दिखा लो, छोरा खाए तो छोरे की कटोरी। ये रही छोरे की कटोरी, ये लो ये इसकी कटोरी है। मम्मी ज्यादा मत डालना इसको, एक जरा सी डालना, बिल्कुल ये नहीं खा रहा है। ये लो। और ये पूड़ी मम्मी कहाँ से लाए? आंटी जी ने दी, हमारे पड़ोस में जिम रहता तो आंटी जी ने दी है प्रसाद बाबा। ये लो चलिए लो खाना खा लेते हैं। मैं फटाफट नहा के चेंज करके जाती हूँ एक बार, और लाइटें नहीं आती है तो बार बार नहाना पड़ता है। सो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और आप चोर के नमे से छुपा के हम खाने वाले हैं ये जीतू जी की, क्योंकि नमे देख लेगा तो मांगेगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि बर्फ की बनी हुई है। चलिए चलते हैं परेशान भाई के पास, वो क्या कर रहे हैं। पहले मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं मम्मी आप? सो रही है, खेल रही है। मम्मी सो रही है खाना वाना खा के, सो रही है, खेल रही है। और नमे खेल रहा है गाड़ी से, नमक के साथ खेल रहे हैं हम, नमक के साथ। मामा नमक। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज सैलून नहीं गए हैं ये, इनका मूड नहीं था, छुट्टी चाहिए थी। बढ़िया तो आ रहा हूँ ना। ओ मस्त। क्या कह रहे? हाँ तो काम पे भी नहीं गया आज। आज मैं छुट्टी पे, मेरे को सोना था पर मैं नींद ही नहीं आ रही है, छुट्टी भी मार। और ये क्या है? ये नेटफ्लिक्स पे देख रहा था कुछ। ओके तो गाइस इनके साथ बड़े चोट बन गई, इन्होंने छुट्टी ली थी नींद के लिए, नींद ही नहीं आ रही है। नींद ने धोखा कर दिया इनके साथ, गेम खेल के नींद। मैंने सोचा मैं सो जाऊंगा पर मैं क्या करे, नींद ही ना आ रही मेरे। रात में तो मैंने इतनी नींद आ रही थी, मैं सोया भी नहीं था, जबकि मैं पूरी रात नहीं सोया था। पर मैं अब तो सो जाना चाहिए था, पर मैं पता नहीं काय गड़बड़ होगी, अंधेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। एक फोन में तुम्हारा ब्लॉग हो रहा है लोड है, और ये देखिए इनका आईफोन, इस पे ब्लॉग लोड हो रहा है। और इसमें क्या कर रहे हो? और रेटिना में नेटफ्लिक्स पे टाइम पास कर रहा हूँ, पर मैं आज में चार्जर भी ना ले आया। और ना चार्जर का है जो चार्जर ना लाया, मैं सलून ले गया थामड़े में, जाना पोसा ही नहीं रहा मेरे। ऐसे पोसाना क्या होता है? पोसाना मतलब पोसा नहीं रहा, मतलब हाथा नहीं है मेरी थामड़े। हाथा क्या होता है? हाथा मतलब हाथा कैपेसिटी नहीं है मेरी थामड़े में। ओके ये बहुत गलती। तो ये
दिखाओगे चोरी छुपे? नमे को नहीं दिखानी, नमे को नहीं दिखानी, नमे को नहीं दिखानी। ये जीतू राज पेप्सी है, जीतू जी नमे देख ले। आप सब जानते होंगे जीतू जी पेप्सी सब खाते हैं, कहीं भी होगी जो मतलब हमारे इधर से आसपास है लेकिन ये इनके पास नहीं आएगा क्योंकि इसको डर लगता है जाने में। चाचू बहुत ज्यादा डांटते हैं इसको चाचू। और ये देखिएगा इस दोबारा से मौसम हो गया, समझ नहीं आ रहा जून के महीने में, मई जून के महीने कौन सा बरसात का मौसम आ रहा है। आएगी मम्मी आएगी अभी सावा है। अब नवे धीरे धीरे देख रहा है कि मैं भी जाऊं और खा के आऊं, लेकिन इसको डर भी लग रहा जाने में। क्या हुआ बेटा? आप नहीं खा सकते ठंडी है वो, खांसी हो रही ना आपको। छोटी सी बच्ची आ गई हमारे घर में और मम्मी मांग रही है, मेरे से खांसी चल रही है इनको लेकिन फिर भी नहीं मान रही है। दो मेरे को दो। तो गाइस देखिए इनको खांसी चल रही है बुरी तरह, फिर भी इनको जीतू जीतू खानी है। जीतू जी नहीं खाती हुई ऐसे आप तो क्यों खा रहे हो? अभी गंदी चीज हम नहीं खाते हैं तो गंदी चीज क्यों खा रहे हो? तो गाइस मैं छीन लूंगी मम्मी से। खांसी हो जाती है गाइस मेरे को। ब्रश एक वो खा गए, एक ये खा गई और गाइस मेरे को तो कुछ भी नहीं मिली। फिर गाइस ये खा खा गई बोर हो गई, खाली की खा रही है। नहीं खा रही गाइस, मैं दो ही थी बस, अब तो मम्मी खा गई। दस्ती गाइस खा गई है सबको वाकई में, दस्ती मैंने खाई है सारी खा गई। आ गया रे मेरा बाबू मम्मी। तू ना खा बेटा ना कर रहे तरफ। मेरे बाबू आ गया रे, मेरे बाबू, मेरे बेटा बाबू। दादी देरी को ना दिल टूट गया रे छोरे का। देखो चिढ़ा रहे बच्चे को, देखो मम्मी को, मम्मी को देखो चिढ़ा रहे बच्चे को। ये देखो छोरे का मुंह उतर गया रे। तो क्या नमे खा पाएगा? बेटी आपके लिए और लेके आ जाएंगे। आपके लिए चिकन चिप बना दूँ मैं, नींबू पानी पियोगे? मैं काना रुस गया, मैं नींबू पानी बना दूंगी बच्चों के लिए। अरे रुसिया कानोड़ा ने मनाओ रे गुड़ की। इसकी नजर बिल्कुल अभी तक इस पे ही है, बस मम्मी के इस पे। अरे रे 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 दो मारी बेटी इसमें। देखो आप तो, आप तो इसमें देखो उसे नजर पे जा रही है। अरे कटे गई रे छोरे बेटा। मम्मी होट मोड़ रहा है मम्मी, देखो देखो तो सही मोड़ा। तो गाइस ये रूस रहा है अभी क्योंकि मम्मी इसको नहीं दे रही है, इसलिए बेटी। आपको जुकाम हो रहा है, खांसी चल रही है, आप नहीं खा सकते ना मेरा गंदी। बीमार होते बेटा नहीं खाते गंदी चीज। जो आइसक्रीम मंगाएंगे बाहर, कुल्फी वालों आए ना बाबू अबालो पेग जी। तो आइसक्रीम खिलाएंगे अब हमें बाबू के ट्राई टाइम हो खिलाएंगे 12 बजे आवा। तो मम्मी खा गई गाइस, हम लोग को नहीं मिली कुल्फी। खाएगा ना तू तो, अभी आएगा कुल्फी वाला इसको दिला से। ये गंदी होती बेटा ये नहीं खाते। तुलसी का टाइम कुल्फी खिलाएंगे कुल्फी बर्फ। होट को मोड़ जा रहा है। देखिए मम्मी खा गई और बच्चे को नहीं दी है, बच्चा रो रहा है। तो बच्चे को ना देने का कारण, बच्चे को खांसी चल रही है। खांसी तो आपको भी चल रही है पर आप छोटे बच्चे को चल रही है। तो गाइस मेरे को भी नहीं मिली, मेरे को भी नहीं दी, नमे को भी नहीं दी। हम दोनों भूखे पैसे रह गए, हम दोनों नहीं खाई। अभी चिल्ला रहा है मांग रहा है मैं कहाँ से लाऊं उसके लिए। देखिए नमे मम्मी की मस्ती, मम्मी ने मुंह ढक लिया, नमे हटाएगा। तो ये खेल रहा है मम्मी के साथ, जो ढक दिया उसने मुंह और अब फिर से ठीक से ढक रहा है। देखो हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे। लेकिन मुंह में डाल रहा है मम्मी के, लड़का बहुत शैतान है। ये नमे के लिए हम लेके आए हैं कुल्फी स्ट्रॉबेरी वाली। मम्मी यार वजह से उड़ाता है गुलाब जल, बड़े मस्त लगता है गुलाब जल यार, ठंडी लगी इसको। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं भैया के होटल पे, चलिए चलते हैं अभी अंदर। चलो ये किसका खेत है निकी? नहीं इसमें उग क्या रहा है ये मेरे को ही नहीं पता। मैं निकी क्या उग रहा है ये? बाजरा बाजरा। तो गाइस देखिए बाजरा हो रहा है और ये वाटर पंप लगा रखे है भैया ने वाटर पंप। तो यहाँ पक्का कोई ना कोई पार्टी वार्टी चल रही लगता है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग कब जलेगी?
नहीं लाइटिंग जलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। निखिल को छोड़ के हमेशा छोड़ देते हैं, वो तो कहीं भी साथ में नहीं रहते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, और आपको दिखाते हैं आगे का फार्म हाउस, आई मीन भैया का कैफे। तो गाइस हम मोमोज वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं और इसको बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी शक्ल तो देखो गाइस, आज मेरे को भी इसकी शक्ल बहुत लुभावनी लग रही है आज, और सुभावनी है लुभावनी। ये लोकेशन लोकेशन सही बोला भैया ने, सुभावनी लग रही है। क्या बोला? अब आप बताओ भैया मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो गाइस लेकिन इनको मैं घंटी लग रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसी लग रही है और मैं कैसा लग रहा हूँ। दुनिया पहला दुनिया बताएंगी, वो कुछ फैन के उससे बताएंगी फैमिली के उससे, पर तुम तो कम से कम बोला करो। देखो मेरे को तो है ना ये अच्छी नहीं लग रही होती। यार ये कपिल शर्मा का शो थोड़ी चल रहा है यार, ये तो मैं दूसरे के कचरे कर। मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगती है और मेरे को कल भी अच्छी लगती है। ये ब्लॉग में दिखेगा तो अच्छा लगेगा। आज भी अच्छी लगती है। मैं अच्छी नहीं लगती इनको, ना ही लगती थी सॉरी अब नहीं लगती हूँ, वो अलग बात है। नहीं जी है ना, ये मोमोज ज्यादा खा गई, मोमोज का असर है, चाउमीन ज्यादा दिल्ली वाला फ्लेवर आ गया इसके अंदर। अभी गाइस रिकॉर्डिंग चल रही है, मिलवाएंगे यहाँ के शेफ से और यहाँ के ऑनर से जिन्होंने मतलब हमें बना के दिए मोमोज और चाउमीन। और बाकी मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं ये खाली प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे आइए एक बार खा के जाइए चाउमीन। सीरियसली दिल से जेन्युइनली बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब दिल्ली वाली फीलिंग आ गई मेरे को। और हम लोग जब मन करेगा यहाँ पे आ जाए करूँगी, बिल्कुल जस्ट पीछे हमारे घर का ये। तो अभी आपको पूरा लोकेशन बता देंगे, एड्रेस बता देंगे कहाँ पर है, ताकि आप लोग आ सके। और आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी भैया पूल भी ओपन करने वाले हैं, तो स्विमिंग पूल बहुत मजे आएंगे। और मेरी प्लानिंग हो रही है ना मेकअप डे यहीं पर करने की, तो देखते हैं अभी क्या रहता है। अगर फाइनेंशियल सही रही प्रॉब्लम हमारी तो हम जरूर यहाँ बड़े सेलिब्रेट करेंगे। गाइस प्यार सपोर्ट बनाए रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए हमारी। तो चलिए गाइस आपको मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से। तो ये भैया की सारी लोकेशन थी, ये आप लोगों ने देख ली है, तो चलिए चलते हैं भैया के पास। तो ये है भैया, आप बताएंगे थोड़ा कि आपने मतलब कब स्टार्ट करा ये? कितना टाइम? 8 मई को स्टार्ट किया था। 8 मई को, तो कितने दिन हो गए लगभग? 10 से 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, तो मतलब कुछ पर्पस था, ड्रीम था मेरा आपको इससे स्टार्ट करने का। तो ये सारी जमीन आप ही की है? हाँ। ओके, और कुछ इसके बारे में आप बोलना चाहोगे? अभी यहाँ पे पूल वगैरह का काम स्टार्ट करेंगे, पूरा मैरिज गार्डन भी है यहाँ पे। ओके। अभी और भी जैसे बिल्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर बाकी है। और आपके जो ये शेफ है ये कहाँ के? कोटा से है, अमर पंजाबी ढाबा। ओके, तो गाइस मैंने आपको बता दिया पहले कि बहुत अच्छी लगी मेरे को चाउमीन और मोमोज, आपको कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओके, ये मेरा दोस्त है गाइस, बचपन का ही समझ लो, हम झूठी तारीफ मत। हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं भैया सच्ची अच्छा लगा वाकई टेस्ट के बारे में। वाकई मैं कह रही हूँ ना ब्लॉग पर लोगों को यही बोल रही थी, अगर आपको झूठ लगे मेरा तो आप मुझे कमेंट्स कर देना यहाँ पे आने के बाद कि नहीं आपने झूठ बोला। आप लोग आइए, सीरियसली कह रही हूँ मुझे मेरा टेस्ट मिल गया दिल्ली वाला जो मेरे को पसंद था। बहुत अच्छा लगा मेरे को सच, मोमोज भी अच्छे लगे। बाकी चीज मैंने खाई नहीं तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, लेकिन जो जो मैंने खाया मेरे को बहुत अच्छी लगी। गाइस ये आती रहेगी यहाँ पे, इसको जगह बताती रहूंगी। चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं ट्री हाउस। तो ये है सीढ़िया और ये देखिए इसमें लाइटिंग रखी है। तो मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं साड़ी पहन रखी है यहाँ पे और चढ़ने में मुझे हो रही है प्रॉब्लम। तो ये देखिए स्टार लाइट्स, ये अभी जली भी नहीं है और भैया इनको जलाएंगे। और ये देखिए ऊपर से कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना ही प्यारा व्यू लग रहा है गाइस। तो फाइनली मैं ऊपर आ गई हूँ। वो आप लोग जो देख रहे हैं भैंस वगैरह भैया की है, ये देखिए इसमें लाइटिंग हो रखी है। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस क्योंकि सारा बुड़गा है, लेकिन बहुत प्यारा है। और ये देखिए भैया ने यहाँ पे छतरी लगा रखी है, ये कूलर है, यहाँ आप लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए कितना मतलब सारा डेकोरेशन जो है ना ओल्ड टाइप का है,
जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत प्यारा लगता है। तो मैं बाहर से एक बार और दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरा सेटअप। तो मेरा तो मन कर रहा है रील बनाने का, अपनी क्यू कैमरा। कितना प्यारा लग रहा है ओल्ड थीम का। ये मैंने यहाँ से कर दिया, मेरे मम्मी पापा को फोन, वो ले लेंगे इनकी क्लास। और ये देखिए ये इसकी मम्मी है और ये देखिए ये पता नहीं इनके भाई भाई है कोई। हेलो भैया, ये वाले भैया हैं, ये वाले भैया क्या, ये क्या भैया, मैं हूँ क्या, ये आप हो भाई, मैं नहीं हूँ। तो ये मेरे अंकल जी है। बाय बाय गाइस, जोर से जोश, बाय बाय जोश, बाय बाय। इनसे तो मिले ही नहीं गाइस। निक्की ब्लर आ रहा है, निक्की ब्लर आ रहा है, अब ठीक आया। अरे भैया कहाँ चलेगा इधर आना। तो गाइस ये है शेफ यहाँ के, आपका नाम बबलू। अरे कहाँ पक गए भैया, शर्म बहुत आ रही है। तो इन भैया ने बहुत बहुत भैया सीरियसली, मजाक नहीं, एक नंबर चौबीस छोटे भाई है, इनके छोटे भाई सुपरवाइजर है। आपका नाम बिट्टू। बिट्टू ये राजू चाचा जी के बेटे। हाँ ये तो तुम्हारे पड़ोसी रहे थे यार। अरे सब जानते हैं इनको। तो ये देख लीजिए एक बार, ये और ये बलम डले गया। हाँ तो फाइनली आप लोग आने वाले हो यूट्यूब पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुल के आए भाई, अब भाई खुल के आ गए, भैया का खुल गया सारा डर। शर्माना नहीं है, शर्माते वर्माते नहीं है, पर सबसे पहली बार वीडियो बना। तो भैया थोड़ा शाय हो, ये हमारे शेफ सर है, बता दिया ना। क्या बताऊं, बबलू नाम है इनका, ये हमारे शेफ है, इन्होंने बहुत अच्छी चाउमीन बनाई है। तारीफ करो क्योंकि मैं कहीं भी काम करूँ 20-25 हजार तो मिल जाए। तो भैया तारीफ झूठी नहीं है आपकी, सीरियसली जेन्युइन तारीफ करिए मैंने, क्योंकि मुझे वाकई मैंने यहाँ की चाउमीन खाई है। मैं नाम नहीं लूंगी मैंने कहाँ खाई है, लेकिन बहुत मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। मोमोज जान है मेरे ब्लॉग में देखना, मोमोज कितने मरती हूँ, जब भी दिल्ली आती ना भैया मोमोज डेली खाती हूँ, अब यहाँ आऊंगी खाने के लिए। और उठे ना दिल्ली तो रोज मोमोज। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, मतलब हम तो क्या वो तो वापस कहीं चले गए मुझे छोड़ के, और हमारा नमे हमें देख रहा है। तो पहले मैं फटाफट से करूंगी कपड़े चेंज, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। सो गाइस मैं नहा लिया, मैंने कपड़े कर लिए चेंज, तो आज का ब्लॉग होता है इसके साथ यहीं पे खत्म। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे भैया का रेस्टोरेंट अच्छा लगा हो, तो जाके प्लीज विजिट जरूर करना, खा के आना, मुझे कमेंट जरूर छोड़ना कि आप लोगों को कैसा लगा खाना। तो थैंक यू सो मच फॉर माय वीडियो, थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप देखिए मेरे को फीचर है सोने के लिए।